पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर्व ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देश पर मुरादाबाद रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना हनुमान मंदिर में सर्व ब्राह्मण महासभा संपूर्ण भारत के चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज की सुख शांति और समृद्धि के लिए हवन का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया। हवन में सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री सचिन गौर मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सर्व ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक द्वारा किया गया। हवन के उपरांत महाआरती का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुरादाबाद के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष अभिषेक चौबे द्वारा ब्राह्मण समाज के इष्ट देव परशुराम की प्रतिमा की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव मनोकामना मंदिर समिति के अध्यक्ष विपिन शुक्ला को दिया गया, जिस पर मंदिर समिति द्वारा जल्द ही चर्चा कर अनुमति देने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्षद विद्याशरण शर्मा, श्याम बिहारी शर्मा, राहुल शर्मा, महिमा शर्मा, सुनीता शर्मा, रमेश उपाध्याय, कृष्ण अवतार शर्मा, अरुण शर्मा, मनोज शर्मा, शिवम शर्मा, एच के शर्मा, गंगाराम शर्मा, ए के शर्मा, क्रांति चौबे आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। जी, ये सर्व ब्राह्मण महासभा जो राष्ट्रीय स्तरीय पंजीकृत है, उसका चौथा स्थापना दिवस था, जो आज सर्व ब्राह्मण महासभा जिला मुरादाबाद द्वारा यहाँ हवन और आरती के रूप में मनाया जा रहा है। इस हवन और आरती का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारा मुरादाबाद का ही आसपास का ब्राह्मण समाज है, उसमें सुख शांति और समृद्धि बढ़े। और आज एक विशेष बात यह है कि हम अपने चौथे स्थापना दिवस के मौके पे जो यहाँ की मनोकामना मंदिर की समिति है, आज उसको हम एक प्रस्ताव देना चाह रहे हैं कि जो हमारे ब्राह्मणों के ईश देवता हैं भगवान परशुराम, उनकी एक मूर्ति यहाँ स्थापित करने का आज हम एक प्रस्ताव देने जा रहे हैं, जिसकी यहाँ के अध्यक्ष जी से बात हुई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।